खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी बलराज गिलक को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो बलराज की गिरफ्तारी कर ली गई है। बलराज पर दिव्या की डेड बॉडी कार में ले जाने का आरोप। करीब 10 दिन बाद आरोपी बलराज गिल पकड़ा गया। दिव्या पाहुजा के शव की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। बड़ी जानकारी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। तो मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट। क्राइम ब्रांच ने आरोपी बलराज गिल को गिरफ्तार किया है। और अब कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं। 2 जनवरी को दिव्या का मर्डर होता है। अब तक 5 आरोपी जो हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से बलराज गिल को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पश्चिम बंगाल से बलराज गिल को गिरफ्तार किया गया है। और चौथी तस्वीर देखिए, गहनता से SIT की जो जांच है वो लगातार की जा रही है। आरोपी रवि की तलाश फिलहाल जारी है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये तमाम तस्वीरें आप दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया था। बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, दिव्या पाहुजा मर्डर केस से केस में अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी कितने आरोपी बचे हुए हैं और अभी इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, अभी रवि बांगा की गिरफ्तारी होनी और बाकी है। साधना, अब तक टोटल गुरुग्राम के ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बलराज गिल को कल देर रात पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बलराज गिल वही आरोपी है जो दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को BMW गाड़ी में ठिकाना लगाने के लिए मुख्य आरोपी अभिजीत ने जो 10 लाख रुपए दिए थे, जिसमें बलराज गिल था और एक रवि बांगा था। हालांकि पुलिस को बड़ी कामयाबी ये मिली है कि बलराज गिल तो गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी रवि बांगा और गिरफ्तार है, जिसने जो बलराज गिल के साथ ही BMW गाड़ी में दिव्या पाहुजा के को ठिकाना लगाने के लिए गया था। इससे पहले जो मुख्य आरोपी अभिजीत है, सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 अन्य आरोपी और गिरफ्तार किए थे, जिसमें ओम प्रकाश और हेमराज छा जो केयर टेकर थे उस होटल में, सिटी पॉइंट होटल में। फिर पुलिस की जब जांच आगे चली तो एक मेघा नाम की लड़की और गिरफ्तार हुई, जो कि मेघा वो मुख्य आरोपी अभिजीत की गर्लफ्रेंड थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पर आरोप है कि जो जब दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी तो उसमें सबूत मिटाने के लिए मुख्य आरोपी अभिजीत ने मेघा को बुलाया था, उसका आईफोन और जो भी वहां खून थे उनको नष्ट करने के लिए उसने मदद की थी, ऐसा पुलिस ने जांच में मेघा से जब पूछताछ की तो उसने वो बताया है। इसके बाद अब बलराज गिल को गिरफ्तार किया गया। बलराज गिल वही आरोपी जिसने BMW गाड़ी में जो दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए गया था। ऐसे फिलहाल 1 बजे की गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और बलराज गिल ने क्या क्या पुलिस के से खुलासे किए हैं इस दौरान, जब पकड़े जाने के बाद जब पश्चिम बंगाल से गुड़गांव पुलिस गुरुग्राम लेकर आ रही है, तो उसने क्या क्या बताया है, क्या दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी अभी उन्होंने कहां पर रखी हुई है, फिर कुछ ही नहर में उसे फेंक दिया है, ये भी एक जांच का विषय है। और जो रवि बांगा जो इसमें छठा आरोपी है वो कहां की भी तलाश गुड़गांव पुलिस लगातार कर रही है। इसमें गुड़गांव पुलिस ने कई टीमें गठित की है, उसके बाद ये बलराज गिल गिरफ्तार हुआ है। बलराज गिल के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी गुड़गांव पुलिस ने घोषित किया था कि जो भी इस आरोपी के बारे में बताएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि लुकआउट नोटिस इसीलिए जारी किया था कि पुलिस को शक था कि ये विदेश भाग सकता है, इसलिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। लेकिन पुलिस लगातार इसकी लोकेशन खंगाल रही थी, पुलिस को जहां जहां भी शक था कि बलराज गिल कहां से विदेश भागने की फिराक में था
या कहां कहां वो जा रहा था, उन सभी की पुलिस को लोकेशन थी, लेकिन पुलिस को वो चकमा दे रहा था, बार बार चकमा दे रहा था। हालांकि जैसे ही पटियाला में जब गाड़ी बीएमडब्ल्यू गाड़ी बरामद की थी पुलिस ने 3 जनवरी को, तो उसके बाद से लगातार बलराज गिल की लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही थी। उसके बाद वो राजस्थान के उदयपुर गया, जब पुलिस उदयपुर पहुंची तो वहां से भी गायब हो गया था, तो लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल बिल्कुल पुलिस गुलशन, आप नजर बनाए क्राइम ब्रांच रखिएगा, को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी क्या कुछ जानकारी इस दौरान दी जाती है, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे जरूर लेंगे।